प्राइम टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं अर्थ स्किन एंड फिटनेस सेंटर, भारत का पहला व एकमात्र QAI एक्रेडिटेड सेंटर, USFDA एंड यूरोपियन यूनियन अप्रूव्ड इक्विपमेंट्स, अर्थ बिल्डिंग मधुबन उदयपुर। नमस्कार, मैं हूं चंदन सिंह देवड़े और आप देख रहे हैं न्यूज 91 राजस्थान। प्राइम टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताजा खबरों के लिए अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। चलिए बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले नजर डालें तब तक की टॉप हेडलाइंस पर। प्रतापनगर पुलिस ने पकड़ी चोर गैंग, कई वारदातें कबूली, दिन में रेकी रात में चोरी करती थी यह गैंग, 5 आरोपी गिरफ्तार। इंडस्ट्री के लिए NOC के नाम उमरड़ा सरपंच, 25,000 की रिश्वत लेते हुआ ट्रैप, गिरवा पंचायत समिति के बाहर बुलाकर परिवादी से ली रिश्वत की रकम। बांसवाड़ा में फर्जी नर्सिंग इंस्टीट्यूट का संभागीय आयुक्त ने किया खुलासा, परीक्षाएं नहीं करवाकर सैकड़ों बच्चों के भाग्य के साथ किया खिलवाड़। और पानेरू की मादरी में फिर गहराया आवासन मंडल की जमीन का मामला, कार्रवाई के बाद कब्जेदारों ने कलेक्ट्रेट पर किया प्रदर्शन। प्रतापनगर थाना पुलिस ने शनि महाराज मंदिर में हुई चोरी की घटना का खुलासा कर दिया है। इस मामले में पकड़े गए आरोपी ने आधा दर्जन वारदातें भी कबूली है। चांदी का छत्र और 3,000 रुपए उससे जब्त किए गए हैं। 5 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। घटना कर ये माल को ठिकाने लगाने के लिए मादरी क्षेत्र में बेचने की फिराक में घूम रहे थे, तभी पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया। 20 फरवरी को प्रार्थी दिनेश भोई ने प्रतापनगर थाने पर उपस्थित होकर रिपोर्ट दर्ज करवाई कि 18 फरवरी को उसका जो घर है खेमपुरा भोईवाड़ा के, वहां पर शनि महाराज का मंदिर बना हुआ है, जहां पर तकरीबन 5 तोला वजनी चांदी का छत्ता लटका हुआ था और तकरीबन 3,000 रुपये की नकदी रखी हुई थी। रात्रि को अज्ञात बदमाश ताला तोड़कर मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं और चांदी का छत्र और नकदी चुरा कर लेकर चले जाते हैं। इस पर पुलिस ने टीम का गठन किया और त्वरित एक्शन लेते हुए अज्ञात चोरों की तलाश शुरू की, क्योंकि आए दिन इलाके में चोरी की वारदातें हो रही है। मुखबिर तंत्र को भी माकूल किया गया और इस पर पता चला कि मादरी क्षेत्र में कुछ संदिग्ध युवक हैं जिनकी आवागमन की सूचना पुलिस को दी गई। इस पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और तलाशी ली तो रतन उर्फ रतिया रावत, जाति मीणा, उम्र 19 साल, ये सलूम्बर का रहने वाला है, सूरजा उर्फ फूर्जा ये गांवड़ापाल जिला सलूम्बर का रहने वाला है, नरेश सेन पिता गोता सेन ये गांवड़ापाल का रहने वाला है, समरोज खान ये भी सलूम्बर का रहने वाला है, तस्वोर खान ये सलूम्बर का रहने वाला है। इन सभी को डिटेन कर पूछताछ की गई तो पांचों ने घटना करना स्वीकार कर लिया है। आरोपियों के कब्जे से पुलिस ने चोरी का माल भी बरामद किया है। सराड़ा थाना क्षेत्र से कई वारदात करना इन्होंने कबूल की है। हाल ही में सराड़ा थाना क्षेत्र के थारोड़ा में रात्रि के वक्त शराब की दुकान का ताला तोड़कर करीब 1,00,000 रुपये चुराने की वारदात भी इन्होंने की है। उदयपुर के खेमपुरा निवासी ईशा को बेचने की बात भी इन्होंने कबूल की है। आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। आपको बता दें कि अभी रत्ना, सूरजा, नरेश सेन द्वारा दिन के समय में बंद पड़े घरों और शहरों के आसपास वाटिका और रिसोर्ट में होने वाले शादी समारोह की रेकी की जाती है और रात्रि के वक्त ये अभियुक्त तस्वर और समरोज की कार से दिन में रेकी के स्थानों पर पहुंचते, ताला तोड़कर चोरी की वारदात करते हैं और उसके बाद खेमपुरा रेलवे पुलिया के नजदीक स्थित शनि महाराज मंदिर में भी वारदात करने यही पहुंचे थे और इन्होंने चोरी करने के बाद में चोरी का जो माल था उसे बेचने की फिराक में पकड़े गए। निसंतानता होने की समस्या में आप और आपकी पत्नी दोनों नीलकंठ IVF फर्टिलिटी एक्सपर्ट से सलाह लें। अपने परिवार की खुशियों के लिए बैड मैन ना बनिए, गुड मैन बनिए। बैड मैन तो मैं हूं। नीलकंठ IVF। उदयपुर SAB की स्पेशल टीम ने गुरुवार को एक कार्रवाई करते हुए शहर के नजदीक उमड़ा ग्राम पंचायत के सरपंच हीरा लाल मीणा को 25,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। भूमि के इंडस्ट्रियल उपयोग का अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने के एवज में सरपंच ने परिवादी से 1,00,000 रुपए मांगे थे, बाद में सौदा 25,000 में तय हुआ। रंगे हाथों रिश्वत की राशि लेते हुए SAB ने उमड़ा सरपंच हीरा लाल को धर दबोचा। SAB DIG राजेंद्र प्रसाद गोयल ने बताया कि परिवादी ने SAB की स्पेशल यूनिट में आरोपी उमड़ा सरपंच हीरा लाल मीणा के खिलाफ रिश्वत मांगे जाने की शिकायत की थी। शिकायत में बताया गया कि परिवादी के उमड़ा क्षेत्र में भूमि है और इस भूमि पर इंडस्ट्री लगाना चाहता है। इंडस्ट्री लगाने के लिए ग्राम पंचायत के सरपंच के जरिए एक अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी होना है। इस अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने के एवज में उमड़ा सरपंच हीरा लाल ने 1,00,000 रुपये रिश्वत की मांग की और रिश्वत नहीं देने पर परिवादी को परेशान किया जा रहा था। ऐसे में गुरुवार को परिवादी ने सरपंच से वार्ता करते हुए बात 25,000 में सेट की और सरपंच ने परिवादी को पंचायत समिति गिरवा कार्यालय बुलाया।
जहां पर कार में बैठकर रिश्वत लेते हुए एसीबी की टीम ने सरपंच को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है। अमर आशीष हॉस्पिटल एंड टेस्ट बेबी सेंटर उदयपुर, जहां आधुनिक तकनीक से मिलता है निसंतान दंपतियों को संतान सुख। तो आज ही डायल करें अपनी खुशियों का नंबर 02942429044। बांसवाड़ा संभाग के आयुक्त नीरज के पवन ने अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। बांसवाड़ा में एक फर्जी नर्सिंग इंस्टीट्यूट चल रहा था, इसके अंदर पर छापा मारते हुए सैकड़ों नर्सिंग अभ्यर्थियों को वहां से मुक्त कराया है। आपको बता दें कि बिना रजिस्ट्रेशन के यहां पर नर्सिंग इंस्टीट्यूट चल रहा था और छात्र छात्राओं को कई बड़े बड़े सपने दिखा रखे थे। संभागीय आयुक्त नीरज के पवन के नेतृत्व में टीम ने यहां पर छापा मारते हुए इसका खुलासा किया। इस नर्सिंग इंस्टीट्यूट में रह रहे अभ्यर्थियों को 4 साल से किसी भी तरीके की परीक्षा नहीं करवाई जा रही थी, जिससे अभ्यर्थी काफी परेशान थे। अभ्यर्थियों ने परीक्षा नहीं करवाने को लेकर संभागीय आयुक्त को शिकायत की थी। जब टीम पहुंची जांच करने के लिए तो किसी प्रकार से कोई मान्यता संबंधित दस्तावेज इंस्टीट्यूट के संचालक नहीं दिखा सके। संचालक ने खुद संभागीय आयुक्त के सामने कबूल किया कि ये फर्जिंग नर्सिंग इंस्टीट्यूट है। ऐसे में किसी को भनक तक नहीं लगी और काफ़ी तादाद में छात्र यहाँ पर अपने भाग्य से खिलवाड़ करते रहे। हालांकि ये इंस्टीट्यूट के संचालकों की जिम्मेदारी है कि उन्होंने छात्रों के साथ में इतना बड़ा फ्रॉड क्यों किया। 4 साल से परीक्षा नहीं हो रही थी, लिहाजा नर्सिंग छात्र काफ़ी परेशान थे। उन्होंने संभागीय आयुक्त को शिकायत की कि उनकी परीक्षाएं करवाई जाए और दखल किया जाए प्रशासनिक तौर पर इंस्टीट्यूट के अंदर। लेकिन यहां पर देखा तो माजरा ही कुछ अलग निकला। ये पूरा बिना मान्यता प्राप्त फर्जी नर्सिंग इंस्टीट्यूट चल रहा था। आपको बता दें कि यहां पर जिला अस्पताल में कभी कभी प्रैक्टिस करने और फार्मेटिंग तक करवाया गया था। फर्जी नर्सिंग इंस्टीट्यूट चलाने वालों के खिलाफ मामला दर्ज करने के साथ ही जांच हो रही है और बहुत बड़े खुलासे की आशंका भी यहां पर जताई जा रही है। इस इंस्टीट्यूट के पीछे किसका हाथ है, कौन आका थे जिनके बदौलत खुलेआम ये इंस्टीट्यूट चलाया जा रहा था और छात्र छात्राओं के साथ में खिलवाड़ किया जा रहा था, इसका जवाब आम जनता चाहती है। संभाग में फर्जी ANM GNM सेंटर कंसल्टेंसी के नाम पर बहुत सारे फर्जी ऐसे सेंटर चलने की सूचना प्राप्त हुई थी। तो आज सुबह जिला प्रशासन ने सारी टीमें बना के, जिसमें मैं खुद ADM साहब, SDM, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, ऐसे कई सेंटर्स पर एक साथ छापा मारा, तो हमें देखने को मिला वास्तव में बांसवाड़ा में ऐसे कई सेंटर चल रहे हैं जिसमें सैकड़ों हजारों बच्चे फर्जी सेंटर पर पढ़ रहे हैं, जिनको दो दो साल हो चुके हैं, उनको एक बार भी एग्ज़ाम का मौका नहीं मिला। जिस ग्वालियर या इंदौर के कॉलेज में एडमिशन बताया जा रहा है, वो कॉलेज है भी कि नहीं उन्होंने देखा तक नहीं आज तक, और ये पूर्ण रूप से कानून का उल्लंघन कर रहे थे। सरकार से इनकी कोई मान्यता प्राप्त नहीं, न राजस्थान नर्सिंग काउंसिल या इंडियन नर्सिंग काउंसिल, दोनों से किसी प्रकार की कोई NOC नहीं, और ना ही एग्जाम कंडक्ट कराने का जो एग्जामिनेशन बॉडी होती है यानी RUHS या GGTU, किसी से उनका कोई एफिलिएशन था। तो ये एब्सोल्यूट बच्चों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा था। बच्चों को वो यूनिफॉर्म पहना के बिल्कुल क्लासरूम जैसा माहौल उनको देते हैं और प्राइवेट हॉस्पिटल में या कहीं पर उनको ट्रेनिंग दिखा देते हैं। वो सर्टिफिकेट कोर्स एब्सोल्यूट फर्जी है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से आम जनता से भी अपील करना चाहूँगा कि अपने बच्चे का एडमिशन कराने से पहले इसको ज़रूर देख लें कि वो ANM या GNM कराने के लिए वो राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त है कि नहीं है। The Omkar School, a pioneer in school education, located at very good location to grow your child with all over development, familiar environment, 1:15 student teachers ratio. We organize fancy dress, Christmas, Deepavali and sports day. Equipped good transportation facility. Admission open. The Omkar School, 116 प्रताप जी की बाड़ी, अंबा माता स्कीम, उदयपुर। पानेरू की मादड़ी घिरवा में बुधवार सुबह आवासन मंडल और संबंधित थाना पुलिस के जाब्ते ने कार्रवाई करते हुए एक विवादित जमीन पर JCB चलाती। इस विवादित जमीन पर खेती कर रहे किसानों का आरोप है कि मामला बीते 41 सालों से न्यायालय में विचाराधीन है, जबकि वर्तमान में आगामी 12 मार्च को हाईकोर्ट में इसकी सुनवाई भी होनी है। ऐसे में आवासन मंडल ने बिना किसी सूचना के ये कार्रवाई की है। आवासन मंडल का कहना है कि जो जमीन विवादित बताई जा रही है वो आवासन मंडल की है। यहाँ पर जो काश्तकारी कर रहे हैं वो लोग जबरन यहाँ बैठे हुए हैं, इस पर किसी तरीके का स्टे नहीं है। जिला प्रशासन की जानकारी में बात डालने के बाद में मौके पर JCB की सहायता से अतिक्रमण को हटाया गया। आवासन मंडल ने पुलिस जाब्ते के साथ में विवादित जमीन पर JCB चलाते हुए वहां पर खड़ी फसल को जमींदोज कर दिया। आवासन मंडल के GS भाटी का कहना है कि यह जमीन आवासन मंडल की है और न्यायालय में मामला विचाराधीन है, लेकिन इस पर किसी तरीके का कोई स्टे नहीं दे रखा है। इस कार्रवाई से पूर्व उन्होंने जिला प्रशासन को
इसके बारे में अवगत कराते हुए स्वीकृति ली थी। कार्रवाई के दौरान खुद किसानों ने ही लिखित में समझौता भी किया कि वे आगामी 2 माह बाद इस जमीन पर किसी तरह की खेती या फसल नहीं उगाएंगे। तब जाके इस कार्रवाई को रोका गया था। इसको लेकर विप्र सेना और किसानों ने जिला कलेक्टर के बाहर प्रदर्शन करते हुए कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है और आवासन मंडल पर कई तरीके के गंभीर आरोप लगाए हैं। ऐसे यहाँ जिलाधीश महोदय को ज्ञापन देने आए हैं कि कल नगर हाउस आवासन मंडल ने बिना सूचना किए हमारी फसल को चौपट कर दिया और हमारा न्यायालय में विवाद विचाराधीन है और जिनका अभी तक इन्होंने न तो हमें मुआवजे का भुगतान किया है न हमसे कोई नोटिस दिया है लीगली कार्रवाई करने का। इसके खिलाफ हमने यहाँ पर ज्ञापन देने आए हैं और इनको प्रशासन से आग्रह है कि इनको पाबंद करें कि जब तक मुआवजा राशि भुगतान नहीं करे तब तक हमारी जमीन में नहीं पधार रहे। श्री जी एक्सोटिका और रूप मधुबन प्रोजेक्ट की अपार सफलता के बाद अरिहंत ग्रुप लेकर आए हैं अपना नया प्रोजेक्ट श्री जी एक्सोटिका फेज 2। मॉडर्न एमिनिटीज वाले आलीशान घर उदयपुर की सबसे प्राइम लोकेशन पर सेलिब्रेशन मॉल के पीछे, जहां मिलेगी कई मॉडर्न एमिनिटीज जैसे गार्डन, जॉगिंग ट्रैक, किड्स प्ले एरिया, कम्युनिटी हॉल और योगा रूम जैसी सभी आधुनिक सुविधाएं। लग्जूरियस 2 BHK और 3 BHK फ्लैट्स की बुकिंग के लिए संपर्क करें श्री जी डेवलपर्स शोभागपुरा सर्किल के पास उदयपुर। भोरवाड़ी स्थित भोरा यूथ पब्लिक स्कूल में गुरुवार को साइंस फेयर एग्जीबिशन का आयोजन किया गया। इसके उद्घाटन के मौके पर रिटायर्ड अतिरिक्त जिला कलेक्टर यासीन पठान मौजूद रहे। स्कूल के नन्हे मुन्ने वैज्ञानिकों का उन्होंने हौसला अफजाई की। एक दिवसीय साइंस एग्जीबिशन में कक्षा 6 से 9वीं के विद्यार्थियों ने आदित्य L1 से लेकर मानव शरीर की संरचना और सौर ऊर्जा जैसे कई प्रोजेक्ट बनाकर एग्जीबिशन में सम्मिलित हुए और आगंतुकों को उसके बारे में विस्तार से जानकारी दी। 50 से अधिक विभिन्न प्रोजेक्ट इस फेयर में सम्मिलित किए गए। स्कूल प्रिंसिपल रजिया सनवार्ड वाला ने बताया कि कोरोना काल के बाद यह तीसरी बार है जो इस तरह से प्रदर्शनी लगाई गई है ताकि बच्चों में पढ़ाई के साथ साथ उनकी प्रतिभा प्रैक्टिकल तौर पर सामने आ सके। हमने एक्चुअली 28 फरवरी को साइंस डे जो है उसका आज हमने एग्जीबिशन रखा 22 फरवरी को, तो इसमें हमने 6 to 9th के बच्चों ने पूरे पार्टिसिपेशन दिखाया। उसमें मैक्सिमम पार्टिसिपेशन था, तो जैसे सबने चार्ट पेपर पे अपना अपना प्रोजेक्ट डिस्प्ले किया प्लस वर्किंग मॉडल्स और उसके अलावा स्टेशनरी मॉडल्स सिंपल मॉडल्स भी थे। तो इनका मेन मकसद ये था, हमारे जो टीचर है हरीश सुथार सर, तो उनका ये था कि जितना उनके कोर्स रिलेटेड जितने भी मॉडल्स हैं जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं वो सबको डिस्प्ले किया जाए क्योंकि बच्चे इसी तरह सीखेंगे। बुक नॉलेज से ज़्यादा आई थिंक प्रैक्टिकल नॉलेज अपने को पता है कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसके इन्होंने जितना अपने साइंस में फिजिक्स है केमिस्ट्री बायोलॉजी जितने अलग अलग सब्जेक्ट्स स्ट्रीम्स के साइंस स्ट्रीम के जो सेक्शंस हैं उसके सब उनके सिलेबस में जो जो चैप्टर्स हैं उस पर उन्होंने लाइव प्रोजेक्ट्स बनाए। देखिए हमें बहुत खुशी हुई इन बच्चों का जो क्रिएटिविटी उनके जहन में है और साइंटिफिक कंटेंट जो उनके जहन में है वो उन्होंने बड़ी अच्छे तरीके से हर शोबे में इलेक्ट्रिकल में है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में है या फिजिक्स के जो मॉडल्स हैं और केमिस्ट्री के मॉडल्स हैं रिवर फ्रंट वगैरह के जो इन्होंने डिस्प्ले किए हैं चार्ट वगैरह वो सब देखने के बाद हमें ये एहसास हुआ कि इन बच्चों को इनका जहन बहुत अच्छा है क्रिएटिव है इंटेलिजेंट है। इनको आगे बढ़ाने के लिए समाज को भी काम करना चाहिए, इनके पेरेंट्स का भी ड्यूटी है कि वो इनको जो है हर तरह की मदद करे। स्कूल की तरफ से जो भी काम हो रहा है वो बहुत अच्छा काम है, पर इनमें जो क्रिएटिविटी है वो काबिले तारीफ़ है। इन्होंने जो मॉडल बनाने के लिए जो संसाधन जो लोकली उन्होंने जनरेट किए हैं बैटरियाँ सेल हर और दूसरी दीगर चीज़ें वो उन्होंने की है, इसका मतलब इनकी जो क्रिएटिविटी है वो डाइवर्स फील्ड में है और ये आने वाले टाइम के अंदर है। इसको अगर और थोड़ा सा हार्नेस किया जाए इसको पॉलिश किया जाए तो ये बच्चे आने वाले टाइम में हैं खूब अच्छे वैज्ञानिक बन सकते हैं अच्छे साइंटिस्ट बन सकते हैं। आप देखिए हर चीज़ को इन्होंने क्रेन किया, पर्यावरण को भी देखा किया है तो एग्रीकल्चर साइंस को भी दिया है फिजिक्स को भी दिया है रॉकेट साइंस को भी दिया है
इवन एक बच्ची ने हार्ट को फंक्शनिंग को कैसे की होती है उसको भी उन्होंने उसको मॉडल बना करके समझाया है, और बाकायदा उन्होंने उसको कैसे फंक्शन करता है उन्होंने मशीन जोड़ करके उसे बताया। तो ये इट इज़ कमेंडेबल, और ये सारी चीज़ें ऐसे नहीं होती है, इसके लिए निश्चित रूप से इनके जो टीचर्स हैं, साइंस टीचर्स हैं, स्कूल का एडमिनिस्ट्रेशन है, उन्होंने बहुत मेहनत की। A1 सीनियर सेकेंडरी स्कूल, अ लेजेंड इन स्कूल एजुकेशन, को एजुकेशन इंग्लिश मीडियम विद कॉमर्स एंड साइंस स्ट्रीम। स्कूल एम्स एट ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। School aims to create genuine interest for education through playway and audio-visual modes, be able to make sensible choice between right and wrong, well-equipped physics lab, chemistry lab, biology and computer lab, spacious library and reading room, round-the-clock CCTV surveillance by the management, admission open for nursery to 12th, A1 Senior Secondary School, 1 North Iyer, University Road, Udaipur. उन्नत तकनीकी कौशल रखने वाले विद्यार्थियों का विकास हो सके, इसी लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए पैसिफिक विश्वविद्यालय द्वारा डिजिटल और एनालिस्टिक कॉन्क्लेव 2024 का आयोजन किया जा रहा है। पैसिफिक ग्रुप ऑफ यूनिवर्सिटीज के ग्रुप प्रेसिडेंट प्रोफेसर बीपी शर्मा ने इस बारे में जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि यह अद्वितीय कॉन्क्लेव है जो डिजिटल तकनीक, एनालिस्टिक और ऑटोमेशन टेक्नोलॉजी का समागम है। इस कॉन्क्लेव में देश भर से 20 विश्वविद्यालयों सहित 70 उच्च शिक्षण संस्थानों के विद्यार्थी यहाँ आयोजित होने वाले 11 स्पर्धाओं में हिस्सा लेंगे। इन विविध प्रतियोगिताओं में 650 प्रविष्टियां प्राप्त हो चुकी है। प्रोफेसर बीपी शर्मा ने बताया कि डीएनपीजी स्टडीज प्रोफेसर हेमंत कोठारी ने इस मामले में जानकारी देते हुए बताया कि 23-24 फरवरी को होने वाले इस 2 दिवसीय कार्यक्रम में हैकाथोन, जिसमें कि जटिल कॉडिक समस्याओं को हल करने की प्रतिस्पर्धा होगी, वहीं दूसरे आइडियाथोन में विद्यार्थियों के स्टार्टअप, व्यावसायिक योजना और नवीन प्रोडक्ट से संबंधित प्रस्तुति देखने को मिलेगी। बिजनेस स्टोरी टेलिंग प्रतियोगिता में सफल उद्यमियों, स्टार्टअप और यूनिकॉर्न के संघर्ष और सफलता की यात्रा को रचनात्मक तरीके से भी प्रस्तुत किया जाएगा। पैसिफिक विश्वविद्यालय के द्वारा डिजिटल एंड एनालिटिक्स कॉन्क्लेव 2024 फरवरी को आयोजित किया जा रहा है। इसमें देश भर के 20 के करीब विश्वविद्यालय और कुल मिला के करीब 60 संस्थानों, उच्च शिक्षा संस्थानों के छात्रों की 630 से अधिक प्रविष्टियां प्राप्त हुई है, जिसमें आइडियाथोन, डेटाथोन, हैकाथोन, बिजनेस स्टोरी टेलिंग, प्रोजेक्ट कंपटीशन, डिबेट, पोस्टर प्रतियोगिता, ऐसी विभिन्न प्रकार की स्पर्धाओं का आयोजन किया जा रहा है। इसके साथ ही 10 ऐसे प्रशिक्षण बूथ भी विकसित किए हैं, जिससे कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ऐप डेवलपमेंट, इसके साथ ONDC ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, इन सब के बारे में डेमोंस्ट्रेशन दिया जाएगा। कैसे एक साधारण युवा या साधारण व्यवसायी ONDC ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स नाम के प्लेटफॉर्म का उपयोग करके अपने बिजनेस को बढ़ा सकता है, अपना नया बिजनेस स्थापित कर सकता है, इन सारी बातों का प्रशिक्षण भी इस कार्यक्रम में दिया जाएगा। The Scholars Arena, an English medium co-education senior secondary school, pre-nursery to 12th, affiliated to CBSE, well-equipped physics, chemistry, biology and computer lab up to second standard, no school bags, no homework, air conditioned pre-nursery and nursery classrooms, enabling child to speak fluent English, ensure the best English speaking environment, well-equipped indoor and outdoor game facility. School also ensure full security while pick and drop your child. The Scholars Arena English Medium Senior Secondary School, Savina Bypass, Sector 9, Hiran Magri, Udaipur. Our second branch, New Swami Nagar, 100 feet road, Tekri Madari Link Road, Udaipur. Chittorgarh jile ke Chanderia thana antargat Kashmor gaon mein lagbhag 30 varshiya yuvti ka shav milne ke baad gramino और समाजजनों ने कलेक्ट्रेट पर मानव श्रृंखला बनाकर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया है। कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा है। ग्रामीण चाहते हैं कि हत्यारों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन करने वाले ग्रामीणों का मानना है कि युवती की हत्या कर शव को फेंका गया, आरोपियों को गिरफ्तार कर उन्हें फांसी की सजा मिलनी चाहिए। चित्तौड़गढ़ चंदेरिया थाना अंतर्गत कशमोर गांव में 5 दिन पहले 30 वर्षीय युवती घर से लापता हो गई थी, जिसकी 2 बच्चियां हैं और वह विधवा है। इस महिला का शव 3 दिन बाद कुएं में मिला। इसको लेकर ग्रामीणों ने सेन समाज के लोगों में आक्रोश है। हत्यारे ने हत्या कर उसे मार डाला है, ये आरोप लगाए जा रहे हैं। हत्यारों का पता लगाकर उन्हें फांसी की सजा देने की लोग मांग कर रहे हैं। सेन समाज के लोगों ने कलेक्ट्रेट पर मानव श्रृंखला बनाते हुए नारेबाजी की और प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। साथ ही 7 दिनों में हत्यारों का पता लगाने का अल्टीमेटम भी दिया है, नहीं तो समाज उग्र आंदोलन करने को मजबूर होगा, ऐसी चेतावनी भी दी है।
उन्होंने युवती के जो छोटी छोटी बालिकाएं हैं उनका आर्थिक सहायता देने की मांग भी समाज ने प्रशासन से की है। ये हमारी सेन समाज की जो महिला है कसमोर निवासी है, वो विडो है और गांव का कोई किसी खुराफात तत्व के जो व्यक्ति ने उसके साथ में अप्रिय घटना अभद्र घटना करी है और उसको कुएं में डाल दिया, ऐसा सुना मैंने। और अब मैं प्रशासन से चाहता हूँ कि वो मुलजिम हाथ में नहीं आ रहा है और मोबाइल की जो कॉल डिटेल है उससे निकाली जाए और दूध का दूध पानी का पानी न्याय किया जाए। और ये घटना जो कसमोर ग्राम में हुई है ये बड़ी एक शर्मनाक घटना हुई है कि गांव में जो बेचारे गांव में सीधे साधी बोली वाली जनता रहती है और ये पहली घटना कसमोर में हुई है। पूरा गांव आज कलेक्ट्रेट पे आया है धरना देने और प्रशासन को अवगत कराने आया है कि आवाज़ ये राजस्थान प्रदेश में मुख्यमंत्री तक पहुँचे, गृह मंत्रालय तक पहुँचे और राष्ट्रीय महिला आयोग एवं राज्य महिला आयोग तक जावे आवाज़। पूनम फर्नीचर 31 वर्षों से आपकी सेवा में, ऑफिस, हॉस्पिटल्स, होटल्स, कॉलेज, कॉर्पोरेट और सभी तरह के गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में टर्नकी प्रोजेक्ट्स विशेषज्ञ। पूनम फर्नीचर्स आपके लिए लाए हैं 0 डाउन पेमेंट, 0% ब्याज पर आसान ऋण योजना, घर के आंगन से लगे ससुराल का हर कोना। पूनम फर्नीचर के बिना बिटिया ससुराल न जाए। पूनम फर्नीचर्स, हिरणमगरी सेक्टर 5 मेन रोड उदयपुर। डूंगरपुर जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र में एक नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। चॉकलेट देने के बहाने 6 साल की मासूम बच्ची को घर में बुलाया जाता है और उसके साथ गंदी हरकत की जाती है। बच्ची रोती हुई जब घर पहुंचती है तो माँ उससे पूछताछ कर दिलासा देकर हकीकत जानती है तो उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। थाने पर जाकर रिपोर्ट दर्ज कर जाती है, आरोपी फरार हो जाता है, लेकिन अब आरोपी पुलिस की सलाखों में है। जानकारी के मुताबिक 19 फरवरी को कोतवाली थाना क्षेत्र में मासूम बच्ची इमली के पास में खेल रही थी, तभी वहां पर एक दुकान पर बैठे आरोपी हीरा लाल ने उसे चॉकलेट देने के बहाने बुलाया और कमरे में ले जाकर उसके साथ में गंदी हरकत कर डाली। बच्ची रोती हुई इसके घर पहुंची और माँ को पूरी वाकया से रूबरू कराया। इस पर उसने अपने पति को बुलाकर आरोपी के खिलाफ कोतवाली थाने में मुकदमा दर्ज करवाया। पुलिस ने तलाश शुरू की, पॉक्सो एक्ट में मामला दर्ज किया, लेकिन आरोपी मौके से फरार हो गया। ऐसे में तलाश करते हुए आरोपी को अहमदाबाद से गिरफ्तार किया है, जिसने अपना जुर्म कबूल किया है। चलते चलते फिर नजर डाल लेते अब तक की टॉप हेडलाइंस। प्रतापनगर पुलिस ने पकड़ी चोर गैंग, कई वारदातें कबूली, दिन में रेकी रात में चोरी करती थी यह गैंग, 5 आरोपी गिरफ्तार। इंडस्ट्री के लिए एनओसी के नाम उमरड़ा सरपंच, 25,000 की रिश्वत लेते हुआ ट्रैप, गिरवा पंचायत समिति के बाहर बुलाकर परिवादी से ली रिश्वत की रकम। बांसवाड़ा में फर्जी नर्सिंग इंस्टीट्यूट का संभागीय आयुक्त ने किया खुलासा, परीक्षाएं नहीं करवाकर सैकड़ों बच्चों के भाग्य के साथ किया खिलवाड़। और पानेरू की मादरी में फिर गहराया आवासन मंडल की जमीन का मामला, कार्रवाई के बाद कब्जेदारों ने कलेक्ट्रेट पर किया प्रदर्शन। तो ये थी अब तक की खास खबरें। अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश और संभाग की खबरों से अपडेट रहना है तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, दीजिए पूरी टीम को इजाजत। आप न्यूज 91 राजस्थान के साथ ये टाइम में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। प्राइम टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं अर्थ स्किन एंड फिटनेस सेंटर, भारत का पहला व एकमात्र QAI एक्रेडिटेड सेंटर, USFDA एंड यूरोपियन यूनियन अप्रूव्ड इक्विपमेंट्स, अर्थ बिल्डिंग मधुबन उदयपुर। ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज 91। न्यूज 91, आवाज हम सबकी।